आज उसके हैं कोर्ट के अंदर। भिंडर के सुंदरपुरा गांव में सोमवार रात्रि को जमाई ने खेत पर सो रहे अपने बड़े ससुर के सिर पर लठ मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से जमाई फरार हो गया। हत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो सका, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि हत्यारा पिछले 3 से 4 दिनों से मानसिक रूप से बीमार होकर किसी को भी मारने के लिए दौड़ रहा था। थाना अधिकारी ने बताया कि सुंदरपुरा निवासी उम्मीद सिंह सोमवार रात्रि को गांव से करीब 200 मीटर दूर खेत पर रखवाली के लिए घास की बनी हुई झोपड़ी में सो रहा था। इस दौरान उम्मीद सिंह के छोटे भाई चतर सिंह के जमाई गोपाल सिंह, जो पिछले 20 वर्षों से सुंदरपुरा में ही रह रहा है, वह रात्रि करीब 11:30 बजे खेत पर पहुंचा। वहां पर पहुंच करके सबसे पहले खेत के किनारे पर बना रखी झोपड़ी को आग लगा दी, लेकिन उसमें उम्मीद सिंह नहीं होने पर भोपाल सिंह दूसरे किनारे जाकर एक और झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस पर अंदर सो रहे उम्मीद सिंह करके भागो तो भोपाल सिंह ने एक लठ लेकर हमला कर दिया। इस पर अंदर सो रहे उम्मीद सिंह ने आग से बचने के लिए बाहर निकल करके भागो तो भोपाल सिंह ने एक लठ लेकर हमला कर दिया। इस पर उम्मीद सिंह खेत में जा गिरे तो भोपाल सिंह ने सिर पर लगातार वार करता रहा और पैर पर भी पत्थर से वार करके गंभीर घायल कर दिया। उम्मीद सिंह की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक भोपाल सिंह मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों व परिजनों को घायल उम्मीद सिंह को तुरंत भिंडर चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां से उदयपुर रेफर कर दिया गया है। उदयपुर में इलाज के दौरान उम्मीद सिंह की मौत हो गई। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब सुखेर थाना अधिकारी